भतीजा तुम जाके पहले जल्दी से मेहंदी लगवा लो और फिर सोना। सुबह सुबह उठना है ना अम्मा के साथ, और फिर हम दोनों मिलकर चुपके से नए की भाभी के लिए स्पेशल टाइप की सरगी बनाएंगे। स्पेशल टाइप की सरगी? दीदी मैं समझी नहीं। अरे तुम्हारा सामान निकाला था ना कमरे से बाहर, कितना रुलाया था तुम्हें, कैसे भूल सकते हैं हम। बस तुम देखती जाओ कैसे बनाते हैं हम इस नई की भाभी के लिए खास तरह की सरगी। रीजा अब तुम देर मत करो, जल्दी से जाकर मेहंदी लगवा लो और फुर्सत पा जाओ। ओके चल जाओ। ऐसी कमाल की सरगी खिलाएंगे कि सारा दिन तड़पती रहेगी दो बूंद पानी पीने के लिए। जाओ जाओ लगवाओ मेहंदी छिटकी देवरानी। बड़ी तेजी में कहाँ जा रही है नेकी भाभी? दीजा बीबी जी मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाई है, हम भी बस मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। लेकिन मेहंदी वाली तो जा रही है। सुनिए ना, जैसे 5 मिनट में आपने हमारे हाथ में मेहंदी लगा दी वैसे इसके हाथ में भी लगा दीजिए ना। हम पहले से लेट हो चुकी है और आप हमें जबरदस्ती रुकवा रहे हैं, हमें जाना है जाने दीजिए। अरे सुनिए ना, अब आप जा ही रहे हैं तो जाते जाते एक मेहंदी का कोन दे जाइए। देखो ना सिया, पता नहीं किस हड़बड़ी में थी, बहुत ही मुश्किल से हमारे हाथों में मेहंदी लगाने के लिए तैयार हुई और देखो खाना पूर्ति करके चली गई। सिया तुम है ना, अपना मन बिल्कुल छोटा मत करना, जैसी हमारे हाथों की मेहंदी सूख जाएगी ना हम तुम्हारे भी हाथों में मेहंदी रचा देंगे। नेकी चाची मुझे आता है, मैं आदित्य लगा देंगे आपके हाथ में मेहंदी। ये 12, 13, 14 और ये 15, पूरे 15 है। हो गई तुम्हारी तरक्की तुम समझो। हाँ अभी खुद जाते हैं और अभिनंदन से खुद बात करते हैं, उन्हें बताएंगे कि तुम कितने हो। चिंता मत करो तुम। एक बात का ख्याल रख, तुम हमें जानते हो और हम तुम्हें जानते हैं, ये बात का किसी को पता नहीं चलना, समझ गए? जी मनन जी। हाँ बोलो। कहाँ हैं आप? कहाँ? अरे गुलाब जामुन तुम्हारे दिल में है, ध्यान से देखो। अरे मजाक छोड़िए, साफ साफ बताइए। क्या साफ साफ बताए, यहाँ ही तो है तुम्हारे बड़के भैया के साथ। अब पता नहीं क्या समझ लिए हैं तुम्हारे बड़े भैया हमें, मजदूरों जैसा काम करवा रहे हैं हमसे। यहाँ तुम्हारी अम्मा की बात का मान रखने आ जाते हैं हम यहाँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 50 बार सुन चुके हैं एक ही बात। अच्छा फालतू बात छोड़िए और काम की बात ध्यान से सुनिए। आज लौटते वक्त सरगी का सामान और मिठाइयाँ लेते आइएगा और ऐसे पैक करवाइएगा कि लगे आपकी माँ ने भेजा है हमारे लिए, और सारा सामान और मिठाइयाँ ला के हमारी अम्मा को दे दीजिएगा और कहिएगा कि आपकी माँ ने भेजा है और वो बनारस चली गई। अरे पर हमारी अम्मा बनारस काहे जाएंगी? अरे अपने मन से कुछ भी बोल दीजिएगा। ठीक है तुम जैसा कहते हो हमारी गुलाब जामुन हम वैसा ही कहेंगे। ठीक है। अरे नहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आज ही मिले ना इसलिए थोड़ा सा। कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते,
कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। मीनू, मैं तुम्हें बातों में नहीं हरा सकता और तुम दोस्ती निभाने में भी मुझसे नहीं जीत सकते, तो मैं पार्टी फाइनल करने जा रही हूँ। तुम्हें इनविटेशन आ जाएगा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। चाचू देखे ना, हम लोग ने नहीं चाची के हाथ में कितनी अच्छी मेहंदी बनाई है। किस बात की मेहंदी? अभी ना, कल करवा चौथ, कल चाची आपके लिए व्रत रखेंगी। ये देखे मैंने चाची के हाथ में क्या लिखा है। चलो बच्चों, अब तुम लोग बाहर जाके खेलो। हाँ ठीक है। ये सब क्या तमाशा है? हमारे बीच सब कुछ साफ साफ डिसाइड हुआ था ना? हुआ था कि नहीं? मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, और आपने भी अग्री किया था ना, है ना? फिर क्या है ये? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और इस बार आखिरी बार बोल रहा हूं, किसी भी भूल भुलैया में जीने की कोई जरूरत नहीं। और ये ढूंढ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, मेरी जिंदगी के किसी भी कोने आपके लिए रत्ती भर भी जगह नहीं, और ना ही कभी हो, ना ही कभी हो। अब ये क्या है, जब सब कुछ साफ है कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, तो अब ये आंसू क्यों? समर जी, हमें हर पल ये याद रहता है कि हमारे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मगर बहू है हम इस घर की, और एक बहू होने के नाते हमें अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हम दोनों के बीच में क्या तय हुआ है। सीधे समझ जी, जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते, मैं ये सब करना पड़ेगा, और हम इस बिगड़ी हुई मेहंदी के लिए सासू माँ से क्या कहेंगे। करवा चौथ भी तो बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कोई व्रत नहीं रखेंगी। मुझे आपको यह बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि आपको व्रत का भी ढोंग करना है। जैसे हम पति पत्नी होने का ढोंग करते, समर जी, हम दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं, ढोंग भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को झूठ कैसे बोले कि हम सुहागन नहीं है, इस घर की बहू नहीं है, और आपकी पत्नी नहीं है। समर जी, क्या करें? ठीक है, आपको जो सही लगे आप कीजिए, लेकिन एक दिन आपको और आपके भगवान को यह मानना ही पड़ेगा
कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। जिस दिन हमारा तलाक हो जाएगा,